हाथरस कांड को लेकर योगी सरकार को पूरे विपक्ष सहित सामाजिक संगठनों का भी विरोध झेलना पड़ रहा है। इसी क्रम में आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास का घेराव करके सीएम योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंका। भारी संख्या में पुलिस बल होने के बावजूद सपा कार्यकर्ता सीएम आवास तक पहुंच गए और जमकर योगी सरकार के विरोध में नारे लगाए, जिसके बाद मौके पर मुस्तैद पुलिस ने जमकर सपाइयों पर लाठियां भांजी। सपा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शाम होते होते विधानसभा के सामने जमकर प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। वहां पर भी मौके पर मौजूद हजरतगंज पुलिस ने जमकर कांग्रेसियों पर लाठियां बांधी और गिरफ्तारियां की। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं रिपोर्टर अथर्व रस्तोगी। अथर्व, पूरी जानकारी विस्तार से बताएं। देखिए, जिस तरीके से हाथरस कांड हुआ उसके बाद पूरा देश बाल में है। सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक कहीं सरकार का विरोध हो रहा है और जमकर आज जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी सड़कों पर, मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सीएम आवास पहुंचे हुए थे और वहां पहुंच के उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और जमकर सरकार विरोधी नारे लगाए। और आपको बता दें कि वहां पर सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो है पुतला भी फूंका गया, जिसके बाद से वहां पर मौजूद मौके पर पुलिसकर्मी जो थे उन्होंने जमकर लाठियां भांजी हैं। कई सपा कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें आई हैं और जिसके बाद उनको गिरफ्तार करके ले जाया गया। आपको बता दें इसी क्रम में लगातार पूरे प्रदेश में प्रदर्शन हो रहे हैं। कहीं कांग्रेस, कहीं समाजवादी पार्टी जिला मुख्यालय प्रदर्शन कर रही है, कहीं मौजूदा सांसदों का घर घेरा जा रहा है जो भाजपा सांसद है। आपको बता दें बनारस में भी क्या कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी का जो वहाँ कार्यालय है वहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया, सरकार और उसी क्रम में आज शाम को जब सुबह समाज सफाई जो है सीएम आवास पहुंचे हुए थे तो कहीं ना कहीं कहीं पीछे न रह जाने के दृष्टिकोण से कांग्रेस कार्यकर्ता भी आज विधानसभा के सामने पहुंचे और सरकार विरोधी नारे लगाए। और उसके बाद वहां पर मौके मौजूद हजरतगंज पुलिस ने वहां जमकर लाठीचार्ज किया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से लाठीचार्ज किया गया, उसके बाद पुलिस उनको गिरफ्तार करके वहां से ले गए। जाहिर सी बात रोहित की किस तरीके से अब विधानसभा चुनाव 2022 का समझ लीजिए आगाज हो चुका है, बहुत कम वक्त बचा है 2022 के चुनाव में और उसी को देखते हुए जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में वो पूरी तरह सक्रिय हो गई है। सबसे ज्यादा जो भूमिका है वो इस समय समाजवादी पार्टी और कांग्रेस निभा रही है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी एकाएक एक्टिव हुई है, इससे पहले आपने देखा होगा कई मामले हुए लेकिन समाजवादी पार्टी ने सड़कों को उतरना उचित नहीं समझा। लेकिन शायद ये मुद्दा और किसानों का मुद्दा एक ऐसा मिला उनको कि उनको सड़कों को उतरना पड़ा और जब हाथरस कांड हुआ तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि अंधे के हाथ बटेर लग गई, तो कहीं ना कहीं जो है तो समाज को एक मौका मिल गया और सफाई इस मौके को भुनाने में कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने भी ट्विटर पर ट्वीट करके तमाम तरीके के आरोप लगाया, उधर प्रियंका गांधी वाड्रा भी लगातार ट्वीट करके सरकार के ऊपर निशाना साध रही है। तो कहीं ना कहीं अब ये लगता है कि 2022 का चुनाव है उसका आगाज हो चुका है और अब इस तरीके के प्रदर्शनों का दौर जो है जारी रहेगा। जैसे जैसे कांड सामने आएंगे वैसे वैसे अब राजनीतिक पार्टियां सड़कों पर उतरेंगी। Hi guys, this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching.